आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग टेबल्स आज इस सेशन फाइव है हम लोग देखने वाले हैं मार्की टेक्स्ट ये जो मार्की टेक्स्ट है ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग है हम लोगों ने फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस देख चुके हैं फॉर एग्जाम्पल बोल्ड इटैलिक और हम लोगों ने मार्क किया था टेक्स्ट को सो so ये सब हम लोगों ने देखा था और ये जो मार्की टेक्स्ट है ये भी एक टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग आएगा ये फॉर्मेटिंग कैसे दिखेगा वो तो हम आज एक प्रोग्राम के हिसाब से देखेंगे और राइट सो अभी ये मार्की टेक्स्ट कैसे यूज कर सकते हैं कौन सा टैग के साथ यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे सो द टैग दैट यू विल बी यूजिंग इज़ मार्की एम ए आर क्यू यू मार्की और ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है सो so, क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों देना पड़ेगा हमें सो so, जो भी कंटेंट है इनके बीच में रहेगा सो so, ये जो मार्किट टेक्स्ट है मार्किट टैग है दिस विल गिव यू अ स्पेशल स्पेशल इफेक्ट इफेक्ट वो वो क्या रहता है special effect, वो हम आज देखेंगे सो right? so, हमें पता है हम लोगों को नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वेब पेज क्रिएट करना है तो हमें तो कंटेंट लिखना पड़ता है एच डी एम एल में सो so, आज क्या करेंगे लेट्स क्रिएट अ प्रॉपर वेब पेज ओके एक वेब पेज क्रिएट करेंगे जैसे कि डिपेंडिंग ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स और उसके हिसाब से हम लोग सभी फॉर्मेटिंग उसमें यूज करके मार्किंग को भी यूज करेंगे और राइट सो चलो सेशन के अंदर हमें नोट पैड चाहिए ओपन द नोटपैड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द एच टी एम एल वेब पेज ऑर राइट हम लोग एच टी एम एल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं सो एच टी एम एल एंडी एम एल और उसके बीच में हेड एंड हेड टैग और हेड के बीच में टाइटल एंड टाइटल टैग और आज क्या करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डू अ वेब पेज सो वेब पेज लिख देते हैं क्योंकि हमने जो कुछ आज तक बनाया था वो सब फॉर्मेटिंग के लिए बनाया था सो so, आज एक प्रॉपर वेब पेज बनाएंगे हम लोग और राइट सो उसके बाद बॉडी सो हमने बोला था कि वी आर गोइंग टू डू द कंप्लीट वेब पेज टूडे और राइट सो so, ये बॉडी टैग में आप इस बॉडी टैग को एंड करना पड़ेगा और विद इन बॉडी टैग हम क्या करने वाले हैं पहले हेडिंग देने वाले हैं हेडिंग क्या हो सकता है हेडिंग सो आई एम डू अ वेब पेज ऑन ऑनलाइन शॉपिंग ओके सोचो के हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं ओके okay? ये रहेगा हमारा हेडिंग राइट right? और इसके बाद क्या करना है आइटम्स लिस्ट करना पड़ेगा क्या क्या आइटम्स हमारे पास है वो हमें लिस्ट करना पड़ेगा सो so, क्या करते हैं ऑर्डर लिस्ट चूज करना है या अनऑर्डर लिस्ट चूज चूज करना है कौन सा चूज करना पड़ेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट क्योंकि कितना लिखोगे तो हमें पता नहीं है सो कैटेगरीज डिस्प्ले करने वाले हैं सो कैटेगरीज हमें सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना पड़ेगा सो अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट कर रहे हैं यूएल और टाइप कौन सा वाला बुलेट्स यूज करेंगे

ओके सो अभी ये लिस्ट आइटम विल बी डन और उसके बाद विमेन फैशन ओके ये भी लिस्ट आइटम क्लोज कर दो और देन वील हैव किड्स फैशन किड्स पोर्स्टिफी फैशन ओके okay. उसके बाद ग्रोसरीज अभी तो ऑनलाइन पे सब कुछ मिलता है आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट में सो so, हम लोगों का भी वैसे ही रहेगा ओके ग्रोसरीज राइट सो वापस एल आई क्लोज और उसके बाद क्या सब होगा ग्रोसरीज uh, होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन्स वही तो है ना मोबाइल फोन द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द मोस्ट सेल सोल्ड प्रोडक्ट ऑनलाइन ओके सो हम लोगों ने अभी एक ऑर्डर लिस्ट बनाया था सो so हम लोगों ने अभी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया था सो लेट्स हैव सम ऑफ टेक्स्ट ओके अभी so, तो लिस्ट uh, हम लोगों ने किया था और हम लोगों ने एक हेडिंग फॉर्मेटिंग किया था और राइट एंड हमारा जो वेबसाइट्स में होते हैं डिस्क्रिप्शन होते हैं और राइट सो लेट्स गिव जस्ट अ स्मॉल लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन सो एनी प्रोडक्ट दैट यू परचेस फ्लैट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट ओके सो ये वाला जो है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्योंकि सभी लोग जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उन लो, लोग सब लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऑफर चल रहा है सो so, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो ये ऑफर को हियर वी विल यूज द फॉर्मेटिंग हम लोगों को पता है बोल्ड करने से इटैलिक करने से क्या होता है वो जो आ, अलग सा एक अटेंशन मिलता है वो वर्ड के लिए सो so, ये जो मार्की टेक्स्ट है इसका भी बहुत अलग सा अटेंशन मिलेगा अभी देखते हैं कैसे वो डिस्प्ले होगा राइट सो right? so, ये तो हमारा एक सिंपल वेबसाइट है सो वी गोना सेव दिस सेव एस वेबसाइट वन वेब पेज वन डॉट एच टी एम एल अभी सेव करो वी हैव इट हियर सो अभी डबल क्लिक करके देखो देखा आपने हाउ दिस दिस फॉर्मेटिंग डन मैं यहां पे जूम थोड़ा रिड्यूस करके दिखाती हूं आपको ओके सो लेट्स रिड्यूस द जूम एंड अभी देखो आप है ना समझ में आ रहा है आपको क्या डिफरेंस है सो so, अगर यहां पे रहने से यहां पे रहना बहुत ही अच्छा दिखेगा है ना सो वॉट कैन वी डू यहां पे जो मार्क ही हम लोगों ने किया था उसे निकाल के लेट्स पुट इट आफ्टर ऑनलाइन शॉपिंग और ये अलग सा कलर भी दिख सकता है कैसे दिखेगा फॉन्ट फॉन्ट टैग का कलर एट्रीब्यूट यू, यूज कर सकते हैं कलर इक्वल टू क्या है सोचो कि हम रेड दे रहे हैं ओके कैपिटल आर यूज करना है हमें एंड ये मार्की के बाद उसे क्लोज करना है सो फ़ॉन्ट एंड टैग क्यों वाई शुड वी डू इट आफ्टर द मार्की टैग क्यों वैसे पहले से ही नहीं करना करने का है क्योंकि द कलर शुड बी फॉर द एंड टेक्स्ट जो मार्की टेक्स्ट के अंदर मार्की टैग के अंडर दो कंप्लीट टेक्सट है उन सब के लिए वो रेड कलर आना चाहिए इसलिए हम लोग फॉन्ट कलर रेड कहां पे देंगे अब द मार्की एंड क्लोज इट आफ्टर द मार्की ओके सो ये कंटेनर एलिमेंट है सो so उसके बीच में जो कुछ रहता है दैट विल बी कंप्लीटली विद रेड कलर सो मैं अभी इसे सेव करने वाली हूँ आई हैव सेव्ड इट इन द सेम फाइल सो अभी डबल क्लिक करके देखो कैन यू सी इट सो हमारा जो शॉपिंग वेबसाइट है उसमें तो ऐसे ही आता है, है ना जो कुछ सीजें नए वाले हैं डिस्काउंट्स हैं या ऑफर्स कुछ हैं वो सब ऐसे आएंगे सो मार्की मार्की इज अ पार्ट लाइक दैट जैसे कि फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग करते हो वैसे वाला है टेक्स्ट समझ में आया आपको यस राइट सो आज तक हम आज हम लोगों ने क्या था पढ़ा था वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट अ प्रॉपर वेब पेज कैसे सबको मिलाना है हेडिंग टैग यूएल टैग और मार्की टैग सब कुछ कैसे मिलाना है और कैसे हम लोग वो कलर सब अलग देखे के कैसे एक वेब पेज को बहुत भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं ये सब हम लोगों ने देखा था सो so, आप आपके हिसाब से जो वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं वो सब क्रिएट करो और एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इसमें जो तो कुछ डाउट्स है तो आपको आप में जाके एनी डाउट बटन को प्रेस करके आपके डाउट बताना पड़ेगा मैं आके आपको क्लारीफाई कर देती हूँ राइट सो द नेक्स्ट सेशन आंटिल देन बाय